हेलो डियर स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में हमने फ्लुइड के बारे में जानकारी ली वी हैव टेकन अबाउ वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लुइड व्हाट इज़ मीन बाय फ्लूइड हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं अभी फ्लुइड के जो डिफरेंट uh, प्रॉपर्टीज़ है वो हमें यहाँ पे अभी सीखना है लेट्स रिकॉल वॉट वी हैव लर्न इन प्रीवियस सेशन वी हैव लर्न अबाउट फ्लूइड fluid doesn't mean only liquid fluid means anything which can flow thereafter we have seen about the properties of fluid and many more things let's start today's session with some interesting topics so firstly we'll see about the absolute pressure and gauge pressure in last video also we have learned about the difference between absolute pressure and gauge pressure so, let's clarify what does it mean actually. So, consider a tank filled with water as shown in figure. Assume an imaginary cylinder of horizontal base area A and height. Now, let's see. This is the imaginary cylinder. Okay. Here, it is cylinder is in water. This is just an imaginary cylinder we have assumed. जिसकी यहाँ पे हमने हाइट अभी कैसे लेंगे मतलब डायरेक्टली एच भी ले सकते थे लेकिन हमने यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू जो कि टू डिफरेंट पॉइंट्स है एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ सिलेंडर मतलब एक्स वन इज़ द पोजीशन ऑफ टॉप एंड एक्स टू इज द बॉटम पोजीशन ना व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एक्स वन माइनस एक्स टू वी विल गेट एच दैट इज़ द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर इमेजिनरी सिलेंडर एंड बेज एरिया विच इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया इट इज ए कैपिटल ए ना लेट्स इमेजिन एक्स वन एंड एक्स टू बीइंग द हाइट मेजर फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट हाइट इंक्रीजिंग टू इन अपवर्ड अगर हमें हाइट इंक्रीज भी करना है तो हम ऊपर से होगा दैट इज एक्स वन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन एक्स टू ओके अब यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से एक्ट होंगे सिलेंडर सिलेंडर पर देखिए द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिलेंडर आर फर्स्ट होगा फोर्स एफ वन एक्ट डाउनवर्ड एट द टॉप सरफेस ऑफ द सिलेंडर ऑब्वियसली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो सिलेंडर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके एक्ट करेगा एंड इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ वाटर कॉलम ओके अबाव द सिलेंडर मतलब सिलेंडर के ऊपर जितना वाटर होगा उसका जो वेट है वो सिलेंडर पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा ये यह यहाँ पे आप देख सकते हैं एम जी देखिए यहाँ पे जो एम जी है इट इज़ एक्टिंग डाउनवर्ड दैट इज एफ वन ओके जो वाटर का अपर सरफेस है उसका वेट उस पर अपर लेवल पे काम करेगा then F2. F2 acts upward at the bottom surface of cylinder and is due to the water below the cylinder. Okay. The gravitational force on the water enclosed in cylinder is mg. मतलब ऊपर का पानी नीचे वाला पानी और एक होगा सिलेंडर के अंदर में जो एनक्लोज है वो वाला पानी.

एफ टू इज इक्वल्स टू एफ वन प्लस एम जी ओके एक बार फिर से डायग्राम देख लीती है एफ टू इज इक्वल्स टू एफ वन प्लस एम जी डायरेक्शन एक बार देख लीजिए दो डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है और ये बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए हम उनको एज अ सम लिख सकते हैं मतलब एक है अपवर्ड वर्टिकल फोर्स विच इज इक्वल टू बोथ द डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्सेस अब पी वन और पी टू क्या है पी वन एंड पी टू आर द प्रेशर एट द टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली दिलेंडर ओके, यूजिंग दिस इक्वेशन वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया सो दैट वी कैन राइट एफ वन इज इक्वल टू पी वन एंड एफ टू इज इक्वल टू पी टू ए अब एफ वन के लिए ये जो पी वन है वो डिफरेंट है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम ही होगा एरिया ऑफ सिलेंडर विल बी कॉन्स्टेंट दैट्स वाई वी आर राइटिंग हर एफ वन इज इक्वल्स टू पी वन एंड एफ टू इज इक्वल्स टू पी टू ए दिस इज अक्वेशन नंबर टू अल्सो द मास एम ऑफ द वॉटर इन द सिलेंडर कैन बी रिटर्न एज मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इन टू वॉल्यूम ओके डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम that's why mass is equals to density into volume now this density can be represented by the symbol rho that's why we are writing here rho into v now simply we will write m is equals to rho into v now v means volume how to calculate volume area into height so height is here x1 minus x2 that's why we are writing here m is equals to rho into a into in bracket x1 minus x2. This is our equation number 3. Now substituting this equation 2 and equation 3 in equation 1. Now we are having all these values. Okay. Let's put up f2 means p2a, f1 means p1a, and m means rho ax1 minus x2 and g will be as it is now here in this equation we can see that a is common everywhere okay in each term capital a is there so we can uh, take common and we can cancel that a on both side p2 is equals to p1 plus rho into g in bracket x1 minus x2 so after simplification we'll get this equation okay this is the fourth equation this equation can be used to find the pressure inside the liquid as a function of depth below the liquid surface and also the atmospheric pressure as the function of altitude or height above the sea level okay this is the required equation now here one thing is important as a function of depth below the liquid surface means it is the pressure which depends on the depth. Okay, as we have seen that P is equals to h rho g. So this is the simple equation. But what about uh, the sea level and all things atmospheric pressure? We need to consider all the functions like uh, the depth, the atmospheric pressure, and all things. So this equation will help us to find out all this. Okay, height above the sea level. ओके, सो दिस इज द प्रेशर एट अ डेप्थ एच बिलो द सरफेस लिक्विड नाउ टू फाइंड द प्रेशर पी एट डेप्थ एच कंसीडर दिस डायग्राम अगेन प्रेशर एट डेप्थ एच मतलब अगर प्रेशर हमें काउंट करना है एच हाइट पे. फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो कि आप स्विमिंग uh, कर रहे हो और आप वाटर uh, के इनसाइड मतलब बीस मीटर तक आपको कितना प्रेशर होगा या फिर आप तीस मीटर के अंदर गए तो आपको कितना प्रेशर वहाँ पे फील होगा दैट इज़ अबाउट दिस ओके सो टू फाइंड द प्रेशर पी एट अ डेप्थ एच बिलो द लिक्विड सरफेस लिक्विड के सरफेस के नीचे लेट द टॉप ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर बी एट द सरफेस अब हमने क्या किया सिलेंडर को इनसाइड द लिक्विड नहीं इमेजिन किया अभी हमने जो इमेजिन किया सिलेंडर उसका टॉप जो है वो सर लिक्विड सरफेस पे है ओके द लेट द टॉप ऑफ एन इमेजिनरी सिलेंडर बी एट सरफेस ऑफ द लिक्विड लेट दिस लेवल बी एक्स वन ना लेट एक्स टू बी द सम पॉइंट एट डेप्थ एच बिलो द सर्फेस यहाँ पे देखिए एक्स टू कहाँ पे है और एक्स वन कहा हाइट और डेप्थ ऑफ सिलेंडर लेट पी जीरो विद द एटमोस्फेयरिक प्रेशर एट सरफेस पी जीरो विद द एटमोस्फेयरिक प्रेशर

क्योंकि वहाँ पे जो पी टू था वो यहाँ पे पी है क्योंकि यहाँ पे एक्स वन और एक्स टू का पोजीशन अब चेंज हो गया है सो वी जस्ट सब्स्टिट्यूट व्हाट इज गिवन ओवर हियर ओके वील गेट दिस इक्वेशन नंबर फाइव पी इज इक्वल्स टू पी जीरो प्लस एच रो जी क्योंकि यहाँ पे अब एक्स वन और एक्स टू ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है ओके okay? हम सिंपली एक्स वन और एक्स टू को हम एच से रिप्लेस कर देंगे सो दिस अबाउ इक्वेशन गिव्स द टोटल प्रेशर और द एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ डेप्थ एच बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड ओके नाउ दिस इक्वेशन विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द प्रेशर द एट सम डेप्थ बिलो द लिक्विड सरफेस द टोटल प्रेशर पी एट द डेप्थ एच इज द सम दी जीरो विच इज़ द प्रेशर ड्यू टू एटमोसफियर विच एक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ लिक्विड एंड एच रो जी इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड एट डेप्थ एच मतलब यहाँ पे एक पी जीरो काम कर रहा है देखिए द टोटल प्रेशर पी इज द सम ऑफ जो टोटल प्रेशर पी है इज द सम ऑफ एप्सोल्यूट प्रेशर दैट इज पी जीरो विच इज़ एक्टिंग ऑन टॉप ऑफ दट सिलेंडर ओके एंड प्लस एच रोजी मीन्स It is the pressure inside that liquid, okay, which is uh, imagine or which is by uh, on the surface on position X2, okay, means inside or top. In general, the difference between the absolute pressure and the atmospheric pressure is called the gauge pressure. मतलब ये जो है रिलेशन अगर ग्रेज गेज प्रेशर किसे कहेंगे ये जो एप्सल्यूट प्रेशर है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे जैसे मैंने डायग्राम में बताया था आपको एक बार मैंने लास्ट प्रीवियस अपने वीडियो में मैंने एक डायग्राम दिखाई थी जिसमें गेज प्रेशर और एप प्रेशर का हमने डिफरेंस दिखाया था तो यही है using equation 5 gauge pressure at depth h below the liquid surface can be written as okay so this is required equation 6 p minus p0 is equals to h rho g so is this equation 6 is also applicable to level above the liquid surface is it gives the pressure at a given height above the liquid surface in terms of atmospheric pressure p0

पहले सिलेंडर कहा था इन साइड द लिक्विड इन सेकेंड कंडीशन वॉट वी हैव सीन वी हैव सीन द सिलेंडर अपर साइड और द टॉप ऑफ सिलेंडर इज जस्ट टच टू द टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस नाव वी आर अज्यूमिंग द सिलेंडर ओके विच इज अबव द लिक्विड सरफेस दिस इज इमेजिनरी ओके वी सब्सटीट्यूट दिस एक्स वन एज डी पी वन as p and x2 as 0 because this is the liquid surface now p2 is equals to p0 and rho which is density now here we have to understood that this density should be density of air okay now so all this substituting we will get this equation number 7 which is p is equals to p0 minus d rho g now d is it is the height above the liquid surface rho rho is density of air and p0 is we have replaced for p2 and p was replaced by p okay so this these are the th three conditions we have studied about these three conditions we have studied about okay now let's start the another topic Okay, for simplification for understanding all these cases, you can uh, make a uh, table. In that table, you can uh, draw one the diagram, and for that particular diagram, you can write the equation in front of that diagram, so as to remember all these cases and all these formula. So you will not get confused. So this is the one trick I am giving you while studying these three cases. Now the topic. द हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स अब ये जो है फ्लूड है इसकी एक अपनी अपनी खास प्रॉपर्टीज़ है जो स्पेशल स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जो सोचने पे हमको थोड़ा सा मतलब मजबूर कर देती है कि वाह थोड़ा सा हैरत में होता है कि यहाँ पे हम देख रहे अलग अलग आ, ये जो है फनल दिख रहे ए बी सी डी हर फनल का या हर सिलेंडर का शेप यहाँ पे अलग अलग है लेकिन अगर मैं बताऊँ कि ये जो शेप कितना भी अलग हो लेकिन जो बेस पे अगर ये फ्लूड उसमें है तो बेस में इनके उस फ्लूड का सेम ही मतलब अगर वो फ्लूड सेम हाइट पे या फिर सेम डेंसिटी के हो दैट इज़ द कंडीशन के द लिक्विड शुड बी सेम ओके ऑफ इक्वल हाइट एंड इक्वल डेंसिटी तो क्या होगा द बेस ऑफ दिस सिलेंडर विल um what i can say they will experience the same uh, weight or same pressure okay same pressure they will experience over here so this is the special characteristic of fluid which is in rest position okay that should be rest position and rest means static therefore it is called as hydrostatic paradox hydro means fluid which can flow static means in rest par uh, rest and paradox is the like uh, the the characteristics which is very different jo hum assume nahi kar sakte now let's see what is hydrostatic paradox the hydrostatic paradox states the fact that in different shaped containers with the same बेस एरिया विच इज फ़िल्ड विद द लिक्विड ऑफ सेम हाइट द अप्लाइड फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ ईच कंटेनर इज एग्जैक्टली द सेम सो दिस इज द हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स क्या समझना है सबसे पहले सिलेंडर का शेप कोई भी हो कुछ भी हो उसमें अगर सेम डेंसिटी का लिक्विड पोर किया जाए सेम हाइट पे तो जो वो अप्लाइड फोर्स है बाय द लिक्विड ऑन द बेस ऑफ ईच कंटेनर इट विल एक्टली द सेम। इनर कनेक्टेड figure. इन द फिगर is द लिक्विड इज पोर्ड इन एनी वन ऑफ द वेसल इट इज नोटिस दैट liquid इन ऑल द वेसल इज सेम दिस observation is somewhat puzzling. It was called as hydrostatic paradox. बिफोर द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टेटिक व कम्प्लीटली अंडरस्टूड वन कैन फील दैट द प्रेशर ऑफ़ द बेस ऑफ द वैसल सी वुड बी मोर दैन दैट ऑफ द वेसल बी मतलब जब आप हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या फील करोगे द प्रेशर ऑफ बेस ऑफ वेसल सी वुड बी मोर दैन द बेस ऑफ वेसल बी देखिए यहाँ पे आपको तो लगेगा ना आपने हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स नहीं सीखा है तो ये इमेजिन कर सकते हैं एंड दैट लिक्विड फ्रॉम वेसल सी वुड राइज इन टू बी ना हवेवर इट इज नेवर ऑब्जर्ड इक्वेशन पी इज इक्वल्स टू एच रोजी टेल्स अस दैट प्रेशर एट अ पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव इट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द वेसल in this case the height of the liquid is same for all vessels therefore the pressure of liquid column in each vessel is the same and the system is in equilibrium that means the liquid in vessel c does not rise into vessel b now consider figure 2.10b the arrows indicate the forces exerted against the liquid by the wall of the vessel now see here this is the two point AB. Now in this diagram you can see from all directions same amount of force is exerting on the walls. These forces can be resolved into vertical and horizontal component. The vertical components acts in upward direction. Weight of the liquid in section B is not balanced and contributes the pressure at the base. दस इट इज नो लॉन्गर अ पैराडॉक्स नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, सॉरी द पास्कल लॉ अब ये पास्कल लॉ बहुत मतलब डेली लाइफ में आप हमेशा अज्यूम करोगे कि पास्कल लॉ बट आपको पता नहीं है कि दैट इज पास्कल लॉ मैं आपको एक एक करके अभी बताऊंगी सो पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन इनक्लोज फ्लूड

दैट टूथ पेस्ट विल कम आउट फ्रॉम द ट्यूब मतलब एक पॉइंट पे हमने जो प्रेशर अप्लाई किया इट इज़ इक्वली ट्रांसमिटेड टू द अदर पॉइंट दैट्स वाई दैट ट्यूब टूथ पेस्ट इज कमिंग आउट और एक एग्जाम्पल अगर हमने मतलब uh, हम पानी दे रहे पेड़ों को फॉर एग्जाम्पल और हमारा पैर पड़ गया वहाँ पे uh, जो ये है ट्यूब है जिस ट्यूब से हम पानी हम वाटरिंग कर रहे हैं प्लांट्स को अगर हमारा पैर वहाँ पे किसी गलती से वहाँ पे गिर गया तो क्या होगा दैट स्प्रिंकल स्प्रिंकल होगा मतलब वो जो पानी है वो बाहर की तरफ स्प्रिंकल होगा और मतलब प्रेशर हमने एक पॉइंट पे दिया लेकिन वो प्रेशर ट्रांसमिट हो गया अदर पॉइंट्स तक सो दिस इज़ अबाउट द पास्कल लॉ अब ये देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पासक लॉ कि कैसे एक टाइप एक पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हर पॉइंट पे ठीक है अब एक पकड़ लिए ये एक ट्यूब है और हमने प्रेशर अप्लाई करना है और ये दो तीन वहाँ पे तीन सॉरी थ्री होल्स दिए हैं ओके फोर होल्स है यहाँ पे पिस्टन्स है नाउ एक्सपेरिमेंट कंसिडर अ वेसल विथ फोर आर्म्स जिसको फोर आर्म्स है ए बी सी डी फिटेड विथ फ्रिक्शनल लेस वॉटर टाइट पिस्टन ओके वाटर टाइट पिस्टन है फिल्ड विथ इनकम्प्रेसिबल फ्लूड एंड शोन इन द फिगर ना लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बी सी एंड डी अब देखिए हर इसका अलग अलग है एरिया जैसे कि आपने डायग्राम में यहाँ पे देखा है देखिए डी का एरिया ए बाई टू है ए का एरिया ए है बी का एरिया ट्वाइस ए है और सी का एरिया थ्राइस ए है ओके इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ए अगर हमने पिस्टन ए पे अब प्रेशर अप्लाई किया द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन दिस लिक्विड इज फोर्स अपॉन एरिया ना इट इज ऑब्जर्व दैट अदर पिस्टन बी सी मूव आउटवर्ड ऑब्वियसली आप एक जगह पे प्रेशर दोगे जो लिक्विड पे प्रेशर आएगा वो पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करेगा इन ऑर्डर टू कीप दिस थ्री पिस्टन बी सी डी इन देयर ओरिजिनल पोजिशन द फोर्स टू एफ थ्री एफ एंड एफ बाई टू रिस्पेक्टिवली आर रिक्वायर्ड टू अप्लाइड ऑन द पिस्टन अगर हर एक पिस्टन को हमें वहाँ पे ही जगह पे रखना है तो उतना उसके लिए फोर्स लगेगा अब हर एक के लिए जो फोर्स लगेगा वो भी अलग होगा क्योंकि उसका एरिया अलग है अब बी पॉइंट पे अगर हमें उसको उसी जगह पे रखना है तो कितना फोर्स अप्लाई करने पड़ेगा टू एफ ओके पी के लिए थ्री एफ और डी के लिए एफ बाई टू सो ये सब करने के बाद एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको एफ बाय ए एफ बाय ए ही मिल रहा है एंड प्रोडक्ट मतलब एंड में आप पिस्टन पे एग्जैक्टली इक्वल प्रेशर ही आपको वहाँ पे मिलेगा ओके नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ पास्कल लॉ हम हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में आपने सुना होगा अब हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है विद द हेल्प ऑफ पास्कल लॉ लेट्स सीन हाइड्रोलिक लिफ्ट इज़ यूज टू लिफ्ट अ हैवी ऑब्जेक्ट यूजिंग स्मॉल फोर्स आपने बहुत बार एक डेमो देखा होगा इंजेक्शन में पानी भरते हैं दो इंजेक्शंस में और उससे अप एंड डाउन वाले छोटे छोटे बच्चे जो प्रोजेक्ट करते हैं दिस इज अबाउट द हाइड्रोलिक लिफ्ट द वर्किंग ऑफ मशीन इज बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ अब यहाँ पे देखिए पिस्टन है एस वन एंड एस टू ठीक है एफ वन इज़ द फोर्स एंड एफ टू इज द फोर्स अगर एफ वन इज़ डाउनवर्ड एफ टू एफ टू विल गो अपवर्ड अब ये दोनों कनेक्टेड है पिस्टन का एरिया देखिए ए वन एंड ए टू और प्रेशर पी वन एंड पी टू ओके पी वन एंड पी टू दे आर सेम अब देखिए वहाँ पे इंटरकनेक्टेड है दोनों यहाँ पे सिलेंडर्स ए शोन इन द फिगर टू पॉइंट इलेवन अ टैंक कंटेनिंग अ फ्लूड इज फिटेड विथ टू पिस्टन्स, एस वन एंड एस टू एस वन हैज़ स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ए वन आई एस टू हैज मच लार्जर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स ए टू इज मच ग्रेटर दैन ए वन if we apply a force F1 on the smaller piston S1 in the downward direction, it will generate pressure P is equals to F1 A1. मतलब S1 पे generate होगा वो होगा F1 upon A1. और that which will be transmitted to the bigger piston by the help of Pascal law. ओके पास्कल लॉ से क्या होता है हमने मतलब एक प्रेशर जो ट्रांसमिट होता है so a force एफ टू इज इक्वल्स टू एफ टू क्या होगा पी टू ए विल बी एक्ट ऑन अपवर्ड अपवर्ड ऑन इट ओके सो द एफ टू इज मच लार्जर दैन एफ वन अ हेवी लोड कैन बी प्लेस्ड ऑन एस टू बहुत बड़ा भी लोड हमने एस टू पर रखा कैन बी लिफ्टेड अप टू मूव मूव डाउन बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स ऑन एस वन सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट ओके

और उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं फिर उसके बाद हमने ये जो इक्वेशन यहाँ पे निकाला है ये इक्वेशन फोर था जब सिलेंडर इनसाइड साइड द लिक्विड था देन वी हैव अज्यूम द सिलेंडर विच इज अपवर्ड विच इज नियरर टू द टॉप लिक्विड सरफेस तो इक्वेशन फाइव इज हेल्पफुल टू काउंट दिस आफ्टर दैट वी हैव अज्यूम द सिलेंडर विच इज़ outside the cylinder liquid, then equation 7 So in this way we have studied about this different cases. Then we have seen about the hydrostatic paradox. of Pascal law. Pascal law के आपको definition पूछ सकते हैं और उसके साथ कुछ आपको example और खुद के भी find out करने हैं कि Pascal law आप daily life में कहाँ-कहाँ use करते हो। देखिए फिजिक्स इज एवरीवेयर अगर आप देखोगे इफ़ यू हैव द क्यूरियस माइंड यू विल फाइंड फिजिक्स एवरीवेयर अगर आपको फिज़िक्स बहुत अच्छे से सीखना है तो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स सराउंडेड यू बाय द साइंटिफिक व्यू अगर आपके पास साइंटिफिक व्यू है तो आपको फिजिक्स एक सब्जेक्ट ना होके आपके लिए वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा ठीक है तो फिज़िक्स को एक सब्जेक्ट और एक सिलेबस समझ के मत पढ़िए अभी अगर मैंने यहाँ पे आपको हाइड्रो और वैसे भी फिज़िक्स ये समझने का और देखने का सब्जेक्ट है अब देखो जितना देखोगे उतना समझोगे तो आप यूट्यूब पे जाके सबसे पहले तो हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स के कुछ एनिमेटेड वीडियोस देखिए जो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो भी टॉपिक आपको सीखना है आप वीडियो के विद द हेल्प ऑफ वीडियो बुक आपको एक लिमिट तक ही समझा पाएगा फिजिक्स को लेकिन आप जो विजुअलाइज़ करोगे जो इमेजिन करोगे दैट विल गिव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिज़िक्स सो आज हम यहाँ तपेह रुकते हैं कल हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ टिल देन गुड बाय